नमस्ते फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं उठी थी 5:30 बजे, क्योंकि आज बेटी का स्कूल है जो वो ओपन हो चुका है। और देखो, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। रात को बारिश हुई थी, अभी बादल वाला जो है वो मौसम हो रखा है, और जो हवा भी है बड़ी ठंडी हवा चल रही है। और अभी को भी मैंने बाहर निकाला था कि थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठ जाए, और देखो इधर जो है वो अभी बैठा हुआ है। आज मौसम ठंडा है इसलिए बाहर आ गया, नहीं तो बाहर नहीं बैठता है ये। और लगता है आज बारिश होगी। ये देखो, आपको मौसम दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। इसके बाद मैं अंदर आ गई तो मुस्कान का टिफ़िन रेडी किया, स्कूल जाना था आज उसने, और मैंने टिफ़िन वगैरह रख दिया, दूध गर्म करके रख दिया है उसके लिए। अभी मेरे को उसकी चोटियाँ बनानी है। उसने ऑयल भी नहीं लगा रखा था, सुबह सुबह मेरे को बताया जब मैंने देखा, फिर मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी में इसके जो बालों में था ऑयल लगाया। ऐसे तो मैं अच्छे से कटोरी में डाल के फिर लगाती हूँ, मांग निकाल के मैं शेयर करूँगी इसकी हेयर केयर रूटीन आपके साथ। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि ऐसे बाल ना हवा से उड़ते हैं फिर आगे आते हैं। बच्चे की आँखों में थोड़ा सा ऑयल लगा हो तो फिर बैठे रहते हैं बाल। और दो चोटियाँ बनाते हैं, इनके रिबन लगाते हैं, जो वाइट वाले रिबन होते हैं ना उसको लगा के फोल्ड करने होते हैं इसके बाल। और इसके बाल बड़े हैं तो टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए मैं पहले उठती हूँ और इसको रेडी भी थोड़ी देर में पहले ही करती हूँ, क्योंकि लंबे बाल हैं फिर चोटियाँ बनानी हैं तो टाइम लगता है। जब तक मैं इसका नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह इसके लिए तैयार करती हूँ, तब तक ये अपनी जो है रेडी हो जाती है। बस इसको चोटी करना नहीं आता है, वो मेरे को ही करनी पड़ती है इसकी। तो चलिए अभी इसकी फटाफट में जो चोटी है वो कर लेती हैं। देखो ऐसे करती है जैसे मैंने अभी वो वाली करी थी ना, इस तरह से करके सारे बच्चे जाते हैं, चाहे वो बच्चा नर्सरी में है चाहे वो बच्चा प्लस टू में है। चलिए फ्रेंड्स, समर्स हॉलीडेज़ है जो वो ख़त्म हो चुकी हैं। आज मुस्कान का स्कूल है जो वो रीओपन होएगा, मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ। उसका टिफ़िन वगैरह तैयार कर लिया, उसको मैंने रेडी कर दिया है। अभी थोड़ी देर तक जाती हूँ। इसको देखो मैंने बाहर बिठाया है, मौसम देखो कितना अच्छा है। ले थोड़ी स्कूटी को साफ करती हूँ, क्योंकि लेके जाने में अभी मुस्कान ने रात को ही अपना बैग है जो वो रेडी कर लिया था, और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ इसको स्कूल छोड़ने के लिए। मैं इसको डेली स्कूल छोड़ने जाती हूँ और लेने के लिए भी जाती हूँ। मैंने चाबी ले ली है स्कूटी की, और ये इधर झूले पे बैठी हुई थी, और इसको बोल रही हूँ जा पहले गेट खोल के आ, तो चलते हैं। इसको आती हूँ मैं फटाफट छोड़ के। इसको छोड़ के आई फिर मैं बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगाने लग गई, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आया करेंगी, उनको मैंने मना कर दिया है। अभी मैं खुद ही जो घर का काम होएगा थोड़ा थोड़ा करके खुद ही करा करूँगी। और सबसे पहले मैंने सोचा चलो बाहर वाले आंगन में ही कर लेते हैं। देखो कितनी डस्ट होती है बाहर वाले आंगन में, कितनी धूल मिट्टी और पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं ना, इसलिए। तो मौसम भी ठंडा ही था, मैंने सोचा चलो फटाफट कर लेती हूँ, आज धूप नहीं निकली है तो सबसे पहले मैं बाहर का ही करूँगी। जितने अच्छे से हम करते हैं काम, उतने अच्छे से कोई दूसरा नहीं करता है। और पूरे बाहर के गेट तक मैं झाड़ू है जो वो अच्छे से लगाती हूँ, और पूरा जो कचरा है इकट्ठा करके एक साइड पर मैं रख दूँगी। ये देखो टाइम लगता है, क्योंकि घर बड़ा है तो टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। और वैसे भी अभी गर्मियां चल रही हैं, जैसे मुस्कान को छोड़ के आऊँगी तो सुबह सुबह मौसम ठीक होता है, तो मैं पहले बाहर लगा लिया करूँगी, उसके बाद अंदर का मैं जो काम है वो बाद में धीरे धीरे कर लिया करूँगी। और सारा जो कचरा है मैं एक साइड पे इकट्ठा कर दिया है। कम से कम 1 घंटा लग जाता है झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि हमारा घर है जो बड़ा है, और मैं वैसे ही धीरे धीरे लगाती हूँ। और इसके बाद फिर मैं बाहर चली गई, बाहर का भी थोड़ा सा साफ़ किया। अपने गेट के पास पास भी सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास की दीवारों के पास भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर दी। और बाहर का तो अभी हो चुका है, चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये देखो पहले मैं बाहर वाला रूम है जो वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, अच्छे से पूरा वैसे मैंने सेट कर दिया था। इधर तो हम ज़्यादा नहीं आते हैं, कई बार वीडियो के चक्कर में मैं आती हूँ। उसके बाद पहुंच गई मैं ये दूसरे वाले रूम में, फिर मैंने फटाफट इसमें भी झाड़ू लगाया। आज मैं नीचे की सफाई करूंगी, ऊपर की सफाई तो मैं वैसे भी हफ्ते बाद ही करती हूँ, जो ऊपर रूम है मैंने आपको दिखाए थे।
अभी फटाफट मैंने जो है वो झाड़ू जो है फिनिश करूँगी। बाहर का आंगन है जो गंदा हो रखा है बारिश की वजह से, वहाँ मिट्टी आ रखी थी। चलिए देखती हूँ उसको क्या करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कपड़े हैं इनको वॉश करूँगी और हाथ से ही करूँगी, मशीन नहीं चलाऊँगी। मैं सर्दियों में ज़्यादा मशीन यूज़ करती हूँ, गर्मियों में कम करती हूँ। ये टब के अंदर मैं भिगोऊँगी कपड़े और हाथ के साथ ही मैं वॉश कर लूँगी। मैं थोड़े थोड़े कपड़े साथ साथ ही धोती रहती हूँ, मैं ज़्यादा जमा नहीं होने देती हूँ। चलिए इनको पहले मैं फटाफट वॉश कर लेती हूँ। देखिए मेरे कपड़े हैं जो वॉश हो चुके हैं। ये जो बेडशीट थी मैंने कल उठाई थी, क्योंकि बाहर वाला रूम है बहुत डस्ट आती है तो फिर चेंज करनी पड़ती है, चाहे यूज़ करो रूम या ना करो। और अभी मैंने फटाफट जो है वो कपड़े भी धो लिए हैं। धूप तो नहीं है पर हवा से सूख जाएंगे, टाइम पे धोए होंगे तो सूख जाएंगे। अभी मैं फटाफट जो कपड़े हैं डाल दूँगी। तार बहुत बड़ी लगा रखी है, जहाँ आपको गेट दिखाई दे रहा है वहाँ तक तार लगी हुई है, शेड से बांध के वहाँ तक बांधी हुई है। दूसरी साइड में भी है, दूसरी साइड जो दीवार है। और जो पानी बचा था मैंने इधर डाल दिया थोड़ा सा। पहले सोचा था कि इवनिंग टाइम में वॉश करूँगी, फिर टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो वॉश कर ही देती हूँ। बारिश वाला मौसम था जो वो नहीं लग रहा था अभी, कभी धूप निकल रही थी फिर ऐसे गंदा अच्छा नहीं लग रहा था, मिट्टी थी। तो मैंने ये देखो सारा अच्छे से जो है मैंने वॉश कर दिया है, पूरा अच्छे से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है इसको। अभी चलती हूँ किचन में, खाना तो थोड़ा बाद में बनाऊँगी क्योंकि 12:30 मुस्कान को छुट्टी होनी है, इसलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। बॉईल कर लिया मैंने ये जो पानी था, इसमें मैंने पास्ता डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल के रख दूँगी। और जो मैं कॉर्न लेके आई थी ना वो छल्ली, इसको मैं बॉईल करने के लिए सीटी लगा लूँगी एक, ये भी बॉईल हो जाएंगे, ये भी मेरे को इसमें ऐड करने हैं। बॉईल हो चुका पास्ता, मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है हल्का सा ऑयल डाल के। इसमें मैंने प्याज जो है लंबा लंबा कट करके रखा हुआ है, अभी मैं इसमें ये डाल दूँगी। हल्का सा इसको मैं फ्राई करूँगी, जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल वगैरह खा लेते हैं तो आप ऐड कर लेना। आज मैं ऐसे सिंपल सा ही बना रही हूँ। फिर मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता भी है जो वो शेयर करूँगी। इसमें मैंने रखे हुए हैं जो कॉर्न है बॉयल करने के लिए, क्योंकि मेरे को वो भी इसमें ऐड करने हैं। अभी मैंने हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची है जो इसमें ऐड कर दी है, और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा जितना खाते हो आप ऐड कर सकते हो। और इसमें मैंने जो नॉर्मल से मसाले होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी देगी मिर्च, नॉर्मल से जो मसाले थे वो ऐड कर लो। आप अपने हिसाब से जैसा खाते हो वैसा आप ऐड कर सकते हो। और इन मसालों को थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी। उसके बाद ये जो कॉर्न मैंने बॉईल करके रखे हुए थे ये भी इस टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखो इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी, इसको अच्छे से हिला दूंगी। कॉर्न भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, सीटी लग गई थी तो जल्दी हो गया। और इस टाइम जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है और 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही इसको रख देना है। ये देखो इसमें सॉस ऐड करने की बारी आ गई, ये थोड़ी चिल्ली सॉस है वो मैंने ऐड कर ली है। और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने हिला दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज। जी हाँ, इसमें मैंने मेयोनी ऐड कर दी है, 1-2 चम्मच के करीब मैंने मेयोनी थी जो ऐड की थी, ये बड़े वाला स्पून है ये ऐड किया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप, जी हाँ जो टमाटो सॉस होती है वो ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी किसी दूसरे बर्तन में। जी हाँ, अभी मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये रही इसकी जो फाइनल लुक है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, आप भी ट्राई करना। फ्रेंड्स, मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, मैंने शावर भी ले लिया है और हेयर वॉश किए हैं मैंने, कल ऑयलिंग करी थी मैंने। और अभी मैं अंदर आ गई हूँ रूम में। ये था मेरा आज का जो व्लॉग है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।